गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई हैं उसके रोकथाम के लिए, हमारे गरीब जनता की मदद के लिए? अध्यक्ष जी, बड़ा ही निराशापूर्ण जवाब आया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब जब सत्र में पिछले 2.5 वर्षों में आपके विभाग के द्वारा जब भी प्रश्न पूछे गए हैं तो आपका एक सेम आंसर है कि हमने इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कॉलेज, इतनी डायलिसिस की मशीन, इतने एम्बुलेंस। अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा ही स्पष्ट सा सवाल था, और अगर आपने ये बताया है कि आपके इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो मैं इस सदन के माध्यम से जौनपुर से जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसकी कुछ पिक्चर है वो आपको दिखाना चाहूंगी कि जहाँ पे काला पानी तैर रहा है, जो बिल्डिंग्स है वो बनने से पहले खंडहर हो चुकी है, ये स्थिति है। और आप इसे गिना करके जवाब देना चाहते हैं कि आप अपने विभाग में क्या कार्य कर रहे हैं। मैं ये टेबल कर दूंगी अध्यक्ष जी, ताकि ये मंत्री जी के पास जो असली पिक्चर्स है वो पहुंचे और उन्हें पता चले कि जो बार बार आप ये कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, जिला अस्पताल बना दिए, उन जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है। कुछ दिन पहले वहां के बच्चे धरना दे रहे थे जिन्हें हम देश का भविष्य और आगे मेडिकल कॉलेजेस में एज ए डॉक्टर देखने वाले हैं। आज उनके पास ना शुद्ध पेयजल है, ना बिजली है, ना पानी है। हम मरीजों को क्या ठीक करेंगे मंत्री जी? हमारे तो डॉक्टर बीमार हो रहे हैं, कभी डेंगू, कभी मलेरिया और कभी जॉन्डिस से, ये स्थिति है। अध्यक्ष जी, इट इज रियली शेम फॉर द यूपी हेल्थ मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। और आज सेंट्रल में तीसरे टेनियर के बाद भी अगर मेडिकल कॉलेजेस की ये स्थिति है, डेफिनेटली अ शेम फॉर दिस सरकार कि आप इस तरीके की स्थिति ला करके रखी है आपने। अध्यक्ष जी, जवाब में इन्हें ये देना चाहिए था कि गंभीर बीमारियों के लिए जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो पैलिएटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स हों, चाहे आपके ऑंको सर्जन्स हों, ऑंकोलॉजिस्ट हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, न्यूरो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हो, चाहे आपके कार्डियो सर्जन्स हो, सीटीवीएस के सर्जन्स हो, आपने कितने डॉक्टर्स को बढ़ा, कितने डॉक्टर्स को आपने बढ़ाया? आज पेशेंट्स के अनुपात में आपके पास कितने आईसीयू के बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं? अगर ये जवाब आता तो वाकई मुझे लगता कि आपके विभाग को कोई जानकारी है और सही में आप सरकार की और जनता के लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं वापस से अपने प्रश्नों पे आऊंगी कि मंत्री जी, सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 प्रश्न हैं और उसके उत्तर गोल गोल ना घुमा करके सीधे तरीके से बस बता दीजिए कि आज उत्तर प्रदेश कैंसर जैसी बीमारी में देश में टॉप कर रहा है। ये प्रदेश आज इस समय वर्तमान में 2024 में हमारे पास कैंसर के 16 लाख मरीज हैं और हर वर्ष 2 लाख मरीज आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन गरीब मरीजों के पास ना तो पैसा है इलाज कराने के लिए और ना अस्पतालों में बेड्स। इन परिस्थितियों में अगर वो मरीज किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है, बड़ा बड़ा एस्टिमेट मिलता है। क्या सरकार कैंसर के सारे उत्तर प्रदेश के मरीजों को उनका जो एस्टिमेट जहां से भी बन करके आता है उसका एक मुश्त में पैसा उपलब्ध कराएगी कि नहीं कराएगी? मेरा दूसरा सवाल है मंत्री जी कि आज जब आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पास सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स कितने बढ़ गए हैं, पेशेंट्स के अनुपात में वेंटिलेटर और आईसीयू कितने हैं, तो इन परिस्थितियों में जितने भी आपके प्राइवेट उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं जहां पे वेंटिलेटर्स और आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, उनको पीपीपी मॉडल पे, सरकार तो पीपीपी मॉडल पे बहुत काम कर रही है, जगह जगह पर आप इसके बारे में एडवर्टीजमेंट्स करते रहते हैं, तो आईसीयू और वेंटिलेटर, क्योंकि ये ऐसे मरीज होते हैं, ब्रेन हैमरेज के मरीज होते हैं, इनके पास समय नहीं होता है। मंत्री जी, अगर एक्सीडेंट हो गया, आज बीपी बढ़ गया और ब्रेन हैमरेज हो गया तो तुरंत उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता ना वेंटिलेटर पे देने के लिए, ना उन वेंटिलेटर्स पे रहने के बाद। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि पीपीपी मॉडल पे जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको ऐड करते हुए हमारे मरीजों को मुफ्त में इलाज और समय पर इलाज दिलाने के लिए क्या सरकार काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।